प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। जब तक सिद्धू पर कोई फैसला फाइनल नहीं होता है, तब तक सिद्धू के बयानों और ट्वीट को लेकर जैसे जैसे यूपीएटीएस आतंकियों से पूछताछ कर रही है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। कांग्रेस का अंदरूनी घमासान एक बार फिर सामने आ गया है। दिल्ली में मॉनसून भले ही देरी से आया, लेकिन मॉनसून के आते ही मौसम सुहाना हो गया। क्या प्रशांत किशोर शरद पवार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के लिए विपक्ष को गोलबंद कर रहे हैं? पर्यटक स्थलों की तस्वीर बदलती नजर नहीं आ रही है, राज्य सरकारें कड़े नियम बना रही हैं। यूपीएटीएफ ने अलकायदा के पकड़े गए दो संदिग्ध आतंकियों के गिरफ्तारी के बाद जांच को बेहद तेज कर दिया गया है, साथ ही उनके साथियों की धरपकड़ भी तेज कर दी गई है। यूपीएटीएफ के मुताबिक इन आतंकियों के निशाने पर जो शहर थे, जिन शहरों पर इन्होंने निशाना बनाने की ठानी थी, वहां भी एहतियात बरते जा रहे हैं। इसके साथ ही 15 अगस्त के पहले ये आतंकी यूपी के कई शहरों में बकरीद से पहले भी विस्फोट करने की साजिश रच रहे थे। उत्तर प्रदेश को आतंकी धमाकों से दहलाने की साजिश रचने के आरोपी मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन मुशीर से यूपीएटीएस को जो जानकारियां मिली हैं, उसने जांच एजेंसी को सख्ते में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि अलकायदा के इन संदिग्ध आतंकियों ने धमाके के जरिए नफरत और हिंसा की फुल प्रूफ साजिश रची थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर नफरत भड़काने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों थे, इसलिए आतंकियों ने बकरीद से पहले धमाकों की साजिश रची थी। बकरीद पर धमाकों में मदद के लिए कश्मीर से आतंकियों के दो कमांडरों को भी आना था। बकरीद पर धमाके के लिए अमीनाबाद बाजार और हनुमान सेतु की रेकी की गई थी। इन दोनों जगहों पर ई रिक्शा में प्रेशर कुकर बम से धमाके की साजिश थी। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों ने कश्मीरी आतंकी तौकीद और मूसा के इशारे पर बम बनाने की बात कबूल की है। इसके लिए कानपुर और लखनऊ से बारूद और हथियार जुटाए थे। बम किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब नहीं देखता, और जो लोग इस प्रकार की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त करने की आवश्यकता है। यह विकास तभी सार्थक है जब हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, और इसलिए सरकार ने पहले दिन से इस बारे में कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। बताया गया कि इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के आसपास भी धमाकों से राज्यों को दहलाने की साजिश रचने का आरोप दोनों संदिग्ध कबूल कर चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद दोनों संदिग्धों ने अयोध्या, काशी और मथुरा सहित कई और धार्मिक स्थलों पर सीरियल ब्लास्ट की तैयारी का दावा किया था। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, परत दर परत साजिश से पर्दा उठता जा रहा है। गिरफ्तार आतंकियों का आरोप है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में उन्होंने जनवरी में ही रेकी कर ली थी, और लखनऊ और कानपुर के कई नाम भी बताए हैं, जिनकी अभी यूपीएटीएस तलाश कर रही है। साजिश के एक एक तार को जोड़ने के लिए एटीएस की टीम ने दोनों संदिग्ध आतंकियों को कानपुर ले जाने की तैयारी की। कानपुर में दोनों को इनकी बताई जगहों पर ले जाने की तैयारी की गई, जिनमें मदरसा कॉलेज और बेगमगंज प्रमुख हैं। बताया गया कि आतंकी होने के आरोपी मिनहाज अहमद ने कानपुर के चमनगंज से एक आदमी से पिस्तौल खरीदी थी। इसके अलावा कश्मीर के रहने वाले तौहीद के बैंक खाते में मिनहाज ने रकम भी भेजी थी। मिनहाज अहमद टेलीग्राम ऐप पर कश्मीर के मूसा और तौहीद से भी जुड़ा था। एटीएस आरोपियों को विस्फोटक खरीदने वाले स्थानों पर भी ले जाएगी, ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। कानपुर से आतंकी कड़ियां धीरे धीरे जुड़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी मोबाइल के जरिए कानपुर के कई लोगों के संपर्क में थे। यहां की एक बस्ती की दो महिलाओं पर भी संदिग्ध आतंकियों की मददगार होने का शक है। इन संदिग्ध महिलाओं की तलाश में एटीएस की टीम ने छापा मारा, लेकिन दोनों फरार हो चुकी थी। बताया गया कि कानपुर से जो महिलाएं एटीएस से बचने के लिए भाग गई हैं, उन्हें मानव बम बनने की ट्रेनिंग दी गई थी। कानपुर और लखनऊ की करीब 12 महिलाओं को मानव बम बनाने की ट्रेनिंग मिलने का शक है। ये सभी महिलाएं बीते एक महीने से आतंकियों के संपर्क में थीं। आरोप तो ये भी है कि अंसार गजवतुल हिंद का हैंडलर उमर हलमंडी इन महिलाओं से मिल चुका था। एटीएस ने बड़ा काम किया है, और उस खुलासे से बहुत और लिंक मिल रहे हैं, अन्य शहरों के भी मिल रहे हैं, उसमें भी छापे पड़ रहे हैं और लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। उसमें आज भी एक बड़ा, जैसे आपने बताया, तो ये साफ है कि ये एक बड़ी षड्यंत्र था। मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन मुशीर को 11 जुलाई को लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार किया गया था, और अभी दोनों आरोपी 14 दिन के लिए एटीएस की हिरासत में हैं। मुशीर की निशानदेही पर एटीएस ने लखनऊ के बुद्धा पार्क से एक और संदिग्ध को पकड़ा है। बताया गया कि संदिग्ध का नाम शकील है, जो ई रिक्शा चलाता है। चूंकि संदिग्ध आतंकियों ने ई रिक्शा से धमाके को अंजाम देने की साजिश रची थी,
इसलिए इससे पूछताछ में और जानकारी मिलने का अनुमान। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए की टीम भी लखनऊ पहुंच गई है। स्पेशल सेल और एनआईए की टीम भी गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ करेगी। जैसे जैसे यूपी एटीएस आतंकियों से पूछताछ कर रही है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि इन आतंकियों के तार कश्मीर से भी जुड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही इनके कई मददगारों के नाम भी सामने आए हैं, क्योंकि ये आतंकी अलकायदा से जुड़े बताए जा रहे हैं और ये मानव बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लिहाजा जांच एजेंसियां एक एक कदम फूंक कर रखें ताकि जांच में कोई गुंजाइश न रह जाए। एक कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात। कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मारकर पाकिस्तान को यही संदेश दिया है। मारे गए 3 आतंकी लश्करे तैयबा के बताए जा रहे हैं, जिनमें एक पाकिस्तानी एजाज भी शामिल था। किसी आतिशबाजी की तरह पटाखों की आवाज से मिलता जुलता जो ये शोर सुनाई पड़ रहा है, ये किसी मनोरंजन का हिस्सा नहीं। ये दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में 3 आतंकियों से मुठभेड़ की आवाज है, जिसमें दोनों तरफ से अंधाधुन फायरिंग की गई। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले लश्कर के 3 आतंकियों ने इसी जगह को अपना ठिकाना बना रखा था और सुरक्षा बल के डर से यहीं दुबके हुए थे। इन आतंकियों के यहां छिपे होने की जानकारी कश्मीर पुलिस को मिली तो तड़के 3 बजे ही पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने दल बल के साथ इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। दिन चढ़ने के साथ ही ये इलाका किले में बदल चुका था, जहां सुरक्षा बल की इजाजत के बगैर परिंदे का भी घुसना मुश्किल था। आतंकियों के ठिकाने को घेरने के बाद सुरक्षा बल ने इलाके को खाली कराया और फिर आतंकियों से सरेंडर करने को कहा, लेकिन आतंकियों ने सरेंडर करने की बजाय सुरक्षा बल के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया और दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। एनकाउंटर के दौरान पुलवामा में कर्फ्यू लगा दिया गया और लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई, जिसका असर सड़कों पर भी नजर आया। इस दौरान रुक रुक कर धमाकों की आवाज भी आती रही। कुछ ही घंटों की मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को जो जानकारी मिली थी वो बिल्कुल सटीक निकली। मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी तो निकला ही, साथ में उसके ठिकाने से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ। एनकाउंटर खत्म होने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस बीच पुलिस और सुरक्षा बल ने मारे गए आतंकियों की पहचान के लिए उनके सामान की तलाशी ली। बताया गया कि मारे गए 3 आतंकियों में एक पाकिस्तानी था। पाकिस्तानी आतंकी का नाम एजाज उर्फ अबू हुरैरा था। एजाज लश्करे तैयबा का कमांडर था। 3 टूरिस्ट मारे गए, एक पाकिस्तानी एजाज जिसको अबू हुरैरा बोलते हैं, ठीक है, बहुत पुराने कमांडर यहाँ पर श्रीनगर पुलवामा में एक्टिव था, वो मारा गया और 2 लोकल टूरिस्ट मारा गया, एक ही शनाख्त हुआ है, शहनवाज, ये संबोड़ा पुलवामा का है। एनकाउंटर के खत्म होने के बाद कश्मीर पुलिस ने इसमें शामिल सुरक्षा बलों के जवानों को बधाई दी। रक्षा विशेषज्ञ भी एनकाउंटर में लश्कर के कमांडर की मौत को सुरक्षा बल की बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को फिर बड़ी सफलता मिली, हमने पुलवामा सेक्टर में 2 अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट को मार गिराया। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो बड़े पैमाने पर वायलेंस से फेड अप हो चुकी है। वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्सेज को देती है कि फलाने घर में फलाने मंजिल में टेररिस्ट छुपे हुए हैं, और उस इंफॉर्मेशन के बाद में कॉटन लगाया जाता है और उसमें टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है। कश्मीर में बीते कुछ साल से सुरक्षा बल ने जिस तरह आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया है, उसकी सराहना होती रही है। ऑपरेशन ऑल आउट का ही नतीजा है कि इस साल अब तक कश्मीर में 77 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर किया जा चुका है। बीते 13 दिन में 16 आतंकियों का एनकाउंटर हो चुका है, जिनमें 3 लश्कर के टॉप कमांडर थे। सेना और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन बीएसएफ की चौकियों के पास मंडराते हुए देखा गया। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकी और ड्रोन दोनों का एक ही अंजाम हो रहा है। जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए आतंकी संगठन और पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं गंदी हरकतों में पाकिस्तान और उसके पिट्ठुओं ने आजकल ड्रोन को भी शामिल किया है। बीती रात करीब 12 बजे भारत पाकिस्तान सीमा के पास अरनिया सेक्टर में एक बार फिर ड्रोन वाली हरकत दिखाई पड़ी। बीएसएफ की तरफ से एक बयान जारी कर बताया गया कि 13-14 जुलाई की रात अरनिया सेक्टर में जवानों ने करीब 200 मीटर की ऊंचाई पर टिमटिमाती लाल बत्ती देखी। सीमा पर तैनात जवानों ने उस लाल रोशनी पर निशाना साधते हुए फायरिंग की, जिसके बाद लाल बत्ती वाली वस्तु लौट गई।
पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है, हालांकि अभी तक कुछ मिला नहीं है। बताया गया है कि ये टिमटिमाती लाल बत्ती जैसी चीज पाकिस्तान की तरफ से आई थी और जवानों की ओर से निशाना बनाए जाने के बाद वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गई। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद जम्मू के आसपास के इलाकों में कई बार ड्रोन देखे गए। कई बार पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने के बावजूद भी पाकिस्तान अगर बाज नहीं आता तो ये भारत के सब्र की परीक्षा ही तो है। क्या प्रशांत किशोर शरद पवार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के लिए विपक्ष को गोलबंद कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि एक दिन पहले दिल्ली में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। वैसे प्रशांत किशोर लंबे समय से विपक्षी एकता करवाने के लिए जुटे हुए हैं। एक दिन पहले राहुल गांधी के सरकारी आवास पर प्रियंका वाड्रा और दूसरे कुछ वरिष्ठ नेताओं के अलावा चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बैठक हुई थी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में सोनिया गांधी भी वर्चुअली शामिल हुई थी। अब इस बैठक के एजेंडे के बारे में कुछ खबरें सामने आ रही हैं, जिसके मुताबिक संपूर्ण विपक्ष को एक खास मुद्दे पर साधने की कोशिश के लिए प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से मुलाकात के लिए समय मांगा था। बताया गया कि इस बैठक में शरद पवार को अगले राष्ट्रपति के तौर पर पेश करने पर चर्चा हुई। चूंकि 2022 में मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म होगा, इसलिए विपक्ष की तरफ से अगले राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार की तलाश अभी से शुरू हो रही है। हालांकि न्यूज 18 से हुई बातचीत में प्रशांत किशोर ने शरद पवार के नाम को लेकर किसी भी तरह की चर्चा करने से इनकार किया। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की बात तो मानी, लेकिन ये कहा कि एजेंडे को लेकर जो बातें चलाई जा रही हैं, वो सिर्फ कयास भर हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से प्रशांत किशोर जिस तरह सक्रिय हैं, उसके कुछ खास मायने निकाले जा रहे हैं। प्रशांत किशोर बंगाल चुनाव के बाद से 3 बार शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं। एक बार तो यशवंत सिन्हा की संस्था के बैनर तले विपक्ष के कई नेताओं को एक साथ बिठा चुके हैं। बीते कुछ दिनों में प्रशांत किशोर शरद पवार, ममता बनर्जी के अलावा नवीन पटनायक और एमके स्टालिन से भी मुलाकात कर चुके हैं। बताया गया कि प्रशांत किशोर के गणित के मुताबिक विपक्ष की एकजुटता से शरद पवार को राष्ट्रपति बनाने की राह निकल सकती है। अगर पूरा विपक्ष शरद पवार के नाम पर सहमत हो जाता है तो चुनाव के वक्त इलेक्टोरल कॉलेज में इस दावे को मजबूती मिलेगी। बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विपक्षी दलों की सरकार होने से जरूरी संख्या के आसपास पहुंचा जा सकता है। विपक्ष के साथ बीजेडी के नवीन पटनायक के आने से ये और आसान हो जाएगा। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर और राहुल की मुलाकात को अगले विधानसभा चुनाव की संभावनाओं पर चर्चा से जोड़ा है। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा उलटफेर का क्या असर पड़ सकता है, इसे प्रशांत किशोर के साथ ही कांग्रेस भी अच्छी तरह से समझती है। बताया गया है कि प्रशांत किशोर का यह मानना है कि अगर विपक्षी दल एकजुट हो जाएं, तो बीजेपी का खेल बिगाड़ना मुश्किल नहीं। हालांकि इसीलिए वो अभी फिलहाल तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच नवीन पटनायक की पार्टी के रुख को लेकर है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और इस समय प्रशांत किशोर उन्हीं संभावनाओं को तलाश रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो वाराणसी को करीब 1583 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में करीब 5 घंटे बिताएंगे और इन 5 घंटों के दौरान वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, बोधोलिया, मल्टी लेवल पार्किंग, क्रूज और रोरो जैसी कई परियोजनाओं का स्वागत करेंगे। 2022 में होने वाले चुनावों के लिए प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को ही बिगुल फूकेंगे और इसके लिए मंच सजाकर तैयार किया जा चुका है। IIT वाराणसी के मैदान में बनाए गए इसी विशाल मंच से प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मंच पर एक विशाल स्क्रीन लगाई गई जिससे योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। जनसभा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखा जाएगा। 3 विशाल जापानी हैंगर के भीतर 5,000 लोगों के बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर व्यवस्था की गई। काशी को PM तोहफे तो देंगे, साथ ही 2022 के UP चुनाव का आगाज तीर्थ नगरी वाराणसी से किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस बार काशी को कई बड़े तोहफे देने वाले हैं। प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे, साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग गोदोलिया का भी लोकार्पण किया जाएगा।
गंगा में पर्यटन के विकास के लिए दो रोरो का संचालन किया जाएगा। राजघाट से 80 घाट तक दो मंजिला नया क्रूज चलना शुरू होगा। साथ ही काशी के 84 घाटों की जानकारी देने वाला एक हाईटेक सूचना बोर्ड लगाया जा रहा है। काशी में पेयजल के लिए नीर निर्मल परियोजना शुरू की जाएगी। वाराणसी के 14 स्वास्थ्य केंद्रों में PSA ऑक्सीजन जनरेशन शुरू होगा। PHU में 100 बेड का MCH विंग लोकार्पण किया जाएगा। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण और चौड़ीकरण किया जाएगा। साथ ही काशी में दो पेयजल योजना भी शुरू की जाएंगी। इन प्रोजेक्ट्स में से एक है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। इस सेंटर में उनके साथ जापान के प्रतिनिधि भी रहेंगे। रुद्राक्ष को जापानी शैली में सजाया जा रहा है। जापानी फूलों की सुगंध रुद्राक्ष सेंटर में फैलेगी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर परिसर में प्रधानमंत्री रुद्राक्ष के पौधे को भी लगाएंगे। कार्यक्रम के दौरान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इंडो जापान कला और संस्कृति की झलक भी दिखेगी। दरअसल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर दो मंजिला है। इसकी छत शिवलिंग के आकार की बनाई गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रदर्शनी और संगीत समारोह होंगे। कला और संस्कृति के साझा कार्यक्रम भी होंगे। इसमें एक साथ 1200 लोगों के बैठने की जगह JICA यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और VCC यानी कि वाराणसी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर के सहयोग से रुद्राक्ष सेंटर बनाया गया है। रुद्राक्ष सेंटर प्रधानमंत्री मोदी के काशी को क्योटो बनाने की योजना का हिस्सा है। इसका मकसद भारतीय लोक परंपरा, पुरातन ज्ञान और भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर मंच दिलाना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में कुल 400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे और साथ ही कई नई योजनाओं की नींव रखेंगे। वाराणसी के घाटों का इतिहास और उसके बारे में जानकारी देने के लिए तकनीक का सहारा लेकर आधुनिक साइनेज बोर्ड तैयार किए गए हैं। इन बोर्ड्स पर उकेरी गई इबारत से काशी के हर घाट की जानकारी मिलेगी। इस जानकारी के साथ ही इस बोर्ड पर एक QR कोड दिया जाएगा, जिसे फोन के जरिए स्कैन करने पर हर घाट का पूरा इतिहास, उससे जुड़ी पौराणिक कहानी और उसके महत्व की जानकारी फोन पर ही मिल जाएगी। कल्चर साइनेज है जहाँ विशिष्ट घाटों पे करीब 20 घाट हमारे विशिष्ट घाट हैं, बड़े घाट हैं जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, उन घाटों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वो कल्चर साइनेज के माध्यम से मिलेगी। दो बड़े साइनेज 80 घाट पे और खिड़किया घाट पे लगाए जाएंगे। 80 घाट ऑलरेडी लग चुका है, खिड़किया घाट निर्माणाधीन है तो उसके बाद लगाया जाएगा। इसमें पूरी घाटों की हिस्ट्री, मुख्य मुख्य उसकी बातें और गंगा के बारे में भी बात की जाएगी। PM मोदी जब भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आते हैं तो करोड़ों की सौगात देते हैं और इन्हीं सब बातों से वाराणसी की तस्वीर अब बदल रही है। आधुनिकता के इस दौर में PM मोदी परंपरा के साथ आधुनिकता पर ज्यादा जोर देते हैं। यही कारण है कि उनके संसदीय क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। काशी UP की दशा और दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है और खास बात यह है कि यह हिंदुओं की आस्था की नगरी भी है। प्रधानमंत्री मोदी इस प्राचीन शहर को नया रंग रूप देकर और संवार रहे हैं और साथ ही इस आस्था की नगरी से UP चुनाव का आगाज भी करने जा रहे हैं। देश में कोरोना के तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसके लिए सबसे बड़े स्तर पर उन लोगों को दोषी माना जा रहा है जो पर्यटक स्थलों पर जाकर घूमने के नाम पर कोरोना नियमों से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो वहीं पर पर्यटक स्थलों से लगातार वो तस्वीरें आ रही हैं जिसे देखकर साफ पता चल रहा है कि कोरोना नियमों को लेकर लोग सावधान नहीं हैं, लापरवाही हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले कह चुके हैं कि नियमों से खिलवाड़ आने वाले दिनों में देश के लिए बड़ा घातक साबित हो सकता है और ये तीसरी लहर का स्वरूप लेकर लोगों को परेशान कर सकता है। पहाड़ हो, समंदर का किनारा हो या फिर कोई वॉटरफॉल ही क्यों ना हो, इन दिनों देश के अधिकांश पर्यटन स्थल का यही हाल। जहां तक नजर जाती है लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आती है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और दूसरी लहर के अब तक जारी होने के बावजूद घरों से घूमने के लिए निकले लोग हर उस नियम को नजरअंदाज करने में लगे हैं जो उन्हें कोरोना से बचा सकती है। MP के जबलपुर में भेड़ाघाट पहुंचे लोग खुलकर नियम तोड़ते नजर आए। नर्मदा के पानी का खूबसूरत नजारा देखने और ठंडक का मजा लेने वालों को सेल्फी लेना तो याद रहा, लेकिन मास्क लगाना नहीं। और उस पर इनके बहाने भी सुन लीजिए। कोरोना खत्म हो गया? नहीं हुआ। मास्क ही लगाया? लगा दो, सॉरी सॉरी। अभी है कोरोना? हाँ। तो लापरवाही नहीं है कि मास्क ही लगाया? लगाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए।
पश्चिम बंगाल के दीघा में जहां समंदर किनारे मौज मस्ती करने वालों की भीड़ रोजाना जुट रही है, ऐसा लगता है कि समंदर के पानी में मस्ती करने में मशगूल लोगों को ये याद ही नहीं कि कोरोना अभी भी मौजूद है और महामारी की तीसरी लहर भी मुहाने पर खड़ी है। पुलिस लोगों को नियमों का पालन करने के लिए बोल रही है, लेकिन लोगों पर इसका असर होता नहीं दिखता। फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करो। देश में हर रोज 30 से 40 हजार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। पहली और दूसरी लहर में लाखों लोगों की जान गई, लेकिन पर्यटक स्थलों की तस्वीर बदलती नजर नहीं आ रही है। राज्य सरकारें कड़े नियम बना रही हैं, ठोस कदम उठा रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने इस बार कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया, साथ ही केदारनाथ यात्रा पर भी रोक लगा दी है। लेकिन छुट्टी के नाम पर जो लोग घूमकर पर्यटक स्थलों पर लापरवाही कर रहे हैं, वो तस्वीर देखकर ये नहीं लगता है कि कोरोना की छुट्टी जल्द हो पाएगी। कोरोना के खतरे के बीच पर्यटन स्थलों पर उमड़ती भीड़ पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी चिंता जताई और लोगों से कोरोना नियम पालन करने की अपील की। टूरिस्ट सेंटर पर लगातार लोग मास संख्या में विदाउट मास्क विदाउट कोरोना प्रोटोकॉल टूरिस्ट घूम रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के जनता को अपील कर रहे हैं, प्रोटोकॉल कोरोना प्रोटोकॉल आप लोग खुद फॉलो करना चाहिए, इसको वायलेट नहीं करना चाहिए। जब भी अपन कोरोना को हरा सकते हैं, नहीं तो अगर फिर एक बार अगर कोरोना अगर बढ़ गए तो पॉजिटिव केसेस बढ़ गए तो समस्या बढ़ा होगा। फैसला लिया है, हमारे लिए लोगों की जिंदगी बचाना पहली प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ से बचें और जो कोविड के मापदंड हैं उनको अपनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय से बार बार ही ऐसी बातें कही जा रही हैं, एक तरीके से कॉशन किया जा रहा है लोगों को कि आप इसको हल्के में मत लीजिए, आप ढील मत लीजिए करिए, क्योंकि सेकेंड वेव बहुत घातक थी लोगों के लिए। प्रोटोकॉल ना मानते हुए भीड़ इकट्ठी करते हुए टूरिज्म का लुत्फ़ उठा रही है और ऐसे चल रही है जैसे आराम से ज़िंदगी चल रही है और महामारी ख़त्म हो चुकी है, तो फिर ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, पैर ही अपना कुल्हाड़ी पे मारने जैसी बात हो गई। सैलानियों से की जा रही बार बार अपील और पुलिस की सख्ती का असर हिमाचल के मनाली में दिखने लगा। पुलिस लोगों को जागरूक भी कर रही है, तो वहीं बड़ी संख्या में जुर्माना वसूला जा रहा है। यही वजह है कि लोग नियमों का पालन करते दिखे। लोगों की भीड़ और भीड़ की लापरवाही पर्यटन स्थल ही नहीं दूसरी जगहों पर भी जारी है। अब जरा हरियाणा के रेवाड़ी के एक मंदिर से आई डराने वाली तस्वीरों को ही देखिए। हनुमान मंदिर में पूजा के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। भीड़ में शामिल ज्यादातर लोग न तो मास्क लगाए हैं और न ही 2 गज की दूरी के नियम का पालन कर रहे हैं। जिस तरह से धार्मिक स्थानों पर, जिस तरह से टूरिज्म प्लेसेस पर आवागमन तेजी के साथ बढ़ा है, तीसरी लहर की संभावनाओं को ये जिंदा किए हुए है और किसी बड़े कोविड आक्रमण की संभावना भी समाप्त हुई। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिल स्टेशन और बाजारों पर जुटती भीड़ पर चिंता जताई थी, साथ ही चेताया था कि लोगों की यही लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर ला सकती है। आज भी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट करके फिर से कहा गया कि कोरोना की तीसरी लहर को बुलावा ना दें। कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर आ भी चुकी है और भारत को इस तीसरी लहर से बचाने के लिए सबसे अहम भूमिका हम लोगों को यानी भारत के नागरिकों को निभानी है। इसके लिए जरूरी है कि हम समझें क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले ज्यादा जरूरी ये है कि घर से निकलते हुए मास्क जरूर पहने और साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न लगाएं, चाहे बाजार हो चाहे पर्यटक स्थल हो, सभी जगह शारीरिक दूरी को बनाए रखें। सुरक्षा का ये मूल मंत्र यानी सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी सभी को याद रखना चाहिए। दिल्ली में मॉनसून भले ही देरी से आया, लेकिन मॉनसून के आते ही मौसम सुहाना हो गया। 2 दिन से दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बुधवार से बारिश का सिलसिला दिल्ली में जारी है। ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि NCR के भी कई शहरों में बारिश हुई। लगातार भारी गर्मी और उमस का सामना कर रहे थे दिल्ली वाले, जिनसे राहत मिली है। साथ ही बारिश के होने के बाद पारे में भी गिरावट देखी गई है। दिल्ली फुहारों से भीगी तो तपिश से बड़ी राहत मिली।
दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के कई शहर तरबतर हो। देरी से आए मॉनसून की पहली बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। दिल्ली में मॉनसून आया तो सड़कों में पानी भी भरा, ट्रैफिक जाम भी हुआ। दिल्ली के आईटीओ प्रगति मैदान से ट्रैफिक जाम की तस्वीरें सामने आई। लंबे समय से गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली वालों को जब बारिश नसीब भी हुई तो साथ ही साथ जलभराव भी हो गया। दिल्ली की बारिश के यही साइड इफेक्ट, नाले उबलने लगे तो सड़कों पर पानी जमा हो गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल जमाव होने लगा। शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया है जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार दिखाई दे रही। थोड़ी देर की बारिश से ही दिल्ली की सड़कें लबालब हो गई। कई जगह तो सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई। सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक सड़क पूरी तरह पानी में डूबी दिखाई दी। पानी भरने से वहां लंबा जैम लग गया। गाड़ियां सड़क पर रेंगती हुई दिखाई दी। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में भारी बारिश के बाद वहां जलभराव की स्थिति हो गई। कई जगहों पर पानी भर गया जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आलम यह हुआ कि बारिश का पानी दुकानों तक पहुंच गया। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में तो बारिश के बाद नाले का गंदा पानी सड़कों पर आ गया। देखने से ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। थोड़ी ही देर की बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। आमतौर पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून जुलाई के पहले हफ्ते में ही दस्तक दे देता है, लेकिन दिल्ली में तो जुलाई का आधा महीना बीत जाने के बाद दिल्ली में अब बादलों ने डेरा डाला है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार 19 साल के बाद देरी से मानसून आया है। साथ ही अगले 24 घंटे में हिमाचल में तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, एनसीआर और पंजाब में बादल छाए रह सकते हैं और बूंदाबांदी भी हो सकती है।